नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। मध्य प्रदेश के दमोह में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला के साथ विजय पटेल प्रत्याशी दमोह लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 7 से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी विजय पटेल के समर्थन में अपने हजारों समर्थकों के साथ दमोह लोकसभा क्षेत्र के जबीरा और अटानगर में हजारों समर्थकों के साथ विशाल रोड शो किया, जिसमें अनेक गाड़ियों के काफिले के साथ पहले जबीरा नगर और अटानगर में रोड शो किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी विजय पटेल को जबीरा और अटानगर की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। विजय पटेल ने राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला जी के साथ जबीरा और अटानगर की जनता से 26 अप्रैल को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पक्ष में बांसुरी के सामने 6 नंबर वाली बटन दबाने का आग्रह किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी भाई विजय पटेल जी, जिनका चुनाव चिन्ह बांसुरी है, उनके समर्थन में आज एक विशाल जनसंपर्क हटा में किया गया, जो सुबह जबेरा क्षेत्र से शुरू हुआ था। हजारों हमारे कार्यकर्ता हटा विधानसभा के अंतर्गत जो आते हैं, वो हमारे विजय भाई पटेल को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए तत्पर हैं। चुनाव के 2 दिन बचे हुए हैं और पूरी तरह से, पूरी मजबूती से हम जन जन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हम भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं, समाज से नशे जैसी बुराई को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी को शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकार उनके जिले में रहकर मिल सकें उसके लिए काम कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे इस संभाग का युवा जो पलायन करने के लिए मजबूर है बेरोजगारी के कारण, जबकि यहाँ हमेशा प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, आज भी 2-2 प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे पिछले लोकसभा में, लेकिन कोई भी ऐसे उद्योग हमारे युवाओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए नहीं लगाए गए जिनको हम कह सकें कि 10,000-5,000 लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार मिल रहा हो। तो उन सब के हक की लड़ाई भारतीय शक्ति चेतना पार्टी लड़ रही है और हम बहुत मजबूती के साथ इस लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पार्टी मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? मध्य प्रदेश में हमारी करीब 14-15 सीटों में हमारे प्रत्याशी हैं और पूरे देश भर में करीब 100 के आसपास लोकसभा सीटों में हमारे प्रत्याशी चुनाव में